أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله هكا قدره صدق الله العظيم मोहतरम नाजरीन मैंने कुरानी मुकद्दस आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ कराया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कितनी बाबरकत और अजीम ज़ात है थोड़ा सा गौर करें इसमें यूँ फरमाया गया है कि तुम्हें तुमने अल्लाह की कदर ही न पहचानी जैसा कि उसकी कदर पहचानने का हक है तुमने अल्लाह को ये नहीं पहचाना जैसा कि उसको पहचानने का हक था अल्लाह की कदर जानने के लिए अल्लाह को पहचानने के लिए इंसान को आफा को अनफुस में बेशुमार दलीलें मौजूद हैं आयात मौजूद हैं जिन पर गौर फिक्र करने से हमें अल्लाह की कदर का एहसास अल्लाह की अजमत, उसकी मारफत का इलम हासिल हो सकता है आप देखते हैं जब आप कायनात के निज़ाम को चारों तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की बनाई हुई और अल्लाह ताला की गुलामी में मुस्कर की गई है मिसाल के तौर पर आप सूरज को देखिए वो अल्लाह के सिवा किसी की ग़ुलामी को बोल नहीं करता अगर दुनिया के इंसान मिलकर सब ये फ़ैसला करें कि हम सूरज को अपने हुक्म से इस पे कंट्रोल करें इसको तलु और गुरुब का कानून जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो लेकिन सूरज कभी भी ये ग़ुलामी इंसानों की या किसी हुकुमरान की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा क्यों सूरज ने अल्लाह की कदर को पहचाना है आसमान और ज़मीन में बेशुमार दलीलें ऐसी हैं आप देखते हैं दरियाओं का रवा दवा होना चश्मों का रवा दवा होना मौसमों का तगैर और तब्दीली होना ये किसी इंसान के बस में और कंट्रोल में नहीं हो सकता कि ये इंसान के इंसान की ख़्वाहिशात के मुताबिक चलना शुरू करें मौसमों की तग़ैर और तब्दीली भी अल्लाह ताला के हुकुम के तब है दरख्तों से पत्ते जड़ना और उनको उन पे फल उगना ये भी अल्लाह के कंट्रोल में और कानून में है और ये अल्लाह की कदर और अल्लाह की अज़मत जान चुके हैं इसलिए ये और किसी की गुलामी में नहीं आ सकते हैं लेकिन ये वाहिद एक इंसान ही है जिसको अशरफ भी बनाया गया और अजमत से नवाजा गया और हर मखलूक में उस इसका दर्जा इसका स्टेटस बुलंद किया गया लेकिन फिर भी ये बंदों की गुलामी में जकड़ा हुआ दिख, दिख रहा है कोई अपने नफ्स की गुलामी में जकड़ा हुआ है कोई किसी और की गुलामी में जकड़ा हुआ है ऐसा क्यों जबकि इसने अल्लाह को अपना माबूद अल्लाह को अपना खालिक अल्लाह को अपना हाकिम अल्लाह को अपना मालिक समझा ही नहीं अगर ये अल्लाह की बादशाहत समझता, ये जान देता ये जान लेता कि वाक़ता हकीकी बादशाह और हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह ही है आप जरा कुछ लम्हात के लिए कुछ लम्हात लम, के लिए गौर करें दुनिया के जो बादशाह और हुकुमरान हुआ करते हैं जो अपनी हुकूमत का सिक्का जमाए हुए दिखते हैं अगर हम गौर करें कि उनकी बादशाहत कितनी कमज़ोर है तो हमें एहसास होगा कि वाक़ता हमें अल्लाह की बादशाहत को अल्लाह की ग़ुलामी हमको हम करनी चाहिए अल्लाह की बादशाहत में हमने अपने आप को लाना चाहिए एक दुनिया का बादशाह किसी मुल्क का वजीर वजीर तब ही अपनी हुकूमत कायम और दायम रख सकता है जब उसके साथ रियाया भी हो लोग भी साथ हों अगर लोग उसको वोट सपोर्ट करना बंद कर दें तो उसकी बादशाह एक दिन के लिए भी नहीं कायम रह सकती अगर दुनिया के किसी बादशाह के फौज और पुलिस और हुक्मरान का काफिला या उनका तबका अलग हो सक अलग हो जाए फौज इनकार करे कि हम इस बादशाह का साथ न दें तो आप जान लेंगे कि उस बादशाह की बादशाहत एक घंटे के लिए भी कायम नहीं रह सकती लेकिन जो हमारा हकीकी बादशाह है वो रब है अल्लाह है उसकी बादशाहत तब भी कायम रहेगी जब उसका उसकी मखलूक उससे इनकार कर दे कोई उसकी ना सुने तब भी उसकी बादशाहत कायम रहेगी तब भी वो बादशाही रहेगा अगर दुनिया उसको ना भी माने तब भी वो बादशाही रहेगा उसकी बादशाहत को कायम करने के लिए किसी आम आमले की ज़रूरत नहीं, किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं वो आपसे आप, आप हकीकी मालिक है और बादशाह है वो वो बादशाह है जिसे कभी मौत छू नहीं सकती जिसे ऊँग नहीं आ सकती जिसे नींद का गलबा नहीं तारी हो सकता जो हर ख्वाहिशात से बालातर है जिसे कभी कोई ख़्वाहिशात नफ्स जो है वो छू भी नहीं सकती लिहाजा वमा कदरल का कदरी आपने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसे कि कदर पहचानने का हक था तो इस कदर को पहचानने का वाहिद जरिया जो है और सबसे अहम जरिया जो है वो कुरानी मुकद्दस है अगर हम मुकद्दस का मुताला कर, करेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें अल्लाह की कदर का एहसास होगा और अल्लाह के दिए हुए एहसानात का और अल्लाह ताला के अल्लाह ताला का शुक्र अल्लाह ताला के शुक्र का जज्बा हमारे दिल में उभरेगा जब हम कर्न मुकद्दस का बगौर मुताला करेंगे लिहाजा पहली चीज़ हमने यही करनी है जो हमें मतलू मकसूद है वो ये है कि हम अल्लाह की कदर पहचाने कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से ही आता हुआ है मेरी मेरा जिसम मेरी जिसम की हर चीज़ें मेरी सलाहियतें ये सब अल्लाह की दी हुई हैं लिहाजा इन चीज़ों को इन नियामतों को मुझे अल्लाह की ही मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने का हक है अल्लाह ताला से दुआ है कि हर इंसान को अपने मालिक अपने खालिक अपने राजिक अपने परवरदगार की कदर पहचानने का हक अदा करने की तोहफ़ी क़ा फरमाए आमीन वमा अलैना अलबलागुलमुबीन